जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा। सत्यभंजक के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग सत्यभंजक YouTube चैनल में प्रकाशित होने वाले एक वीडियो का अनुवाद करेंगे, जो श्री सत्यभंजक जी और मालिका के बहुत बड़े रिसर्चर पुलिन पंडा सर के बारे में होगा। उन दोनों के बातचीत का अनुवाद हम करेंगे और आज का ये टॉपिक है गहिरा टिकरी के ऊपर, जो उड़ीसा में स्थित है। इसका मतलब है, जो भी श्री प्रभु श्री हरि का नाम लेते रहेंगे, बस उन्हीं का ही रक्षा होगा। जैसे पहले भी बहुत बार कहा गया है, बताया गया है कि कलयुग में नाम जप, भगवान का नाम जपना ही एकमात्र उपाय है, और जो नाम जप करेंगे बस उन्हीं का रक्षा होगा। पुलिन सर आगे कहते हैं, युद्ध के समय उत्तर दिग से शत्रु आएंगे, और जो शत्रु उन्होंने बोला है राक्षस और शत्रु जो है वो आएंगे, और प्रभु के इसके बारे में पहले से पता होगा, और प्रभु अपने सेना के साथ घोड़े से सवार होके आएंगे। अब प्रश्न ये होता है कि आधुनिक वक्त में जब टैंक इतने आर्टिलरीज है, वहाँ घोड़ा क्यों? युद्ध में टैंक तोप जो कैनियन बोलते हैं और सेना जो पैदल जाते हैं, लेकिन यहाँ सेना सब पैदल नहीं जाएंगे, यहाँ ये सब घोड़े में सवार होके जाएंगे, और वो घोड़ा कोई नॉर्मल घोड़ा नहीं होगा, वह दिव्य घोड़ा होगा। वो ऐसा घोड़ा होगा जो उड़ भी पाएगा और जो दौड़ भी पाएगा। सत्यभंजक जी पूछते हैं, गहिरा टिकरी में एक पत्थर का विमान और प्लेन है, और एक पत्थर का पादुका जो खड़ा हो बोलते हैं वो है। तो पुलिन सर कहते हैं कि जब युद्ध खत्म होगा, तब श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र कली को बांध कर लेकर उस विमान में लेके जाएंगे प्रभु के पास, जो अनादि पुरुष प्रभु काल के हैं उनके पास लेके जाएंगे। पुलिन सर कहते हैं, कोरिबे भाई संगति मते विजय दशरथी, दुई भाई दुई बटे पाइबे सभा। इसका मतलब है, दशरथी दशरथ को बोला गया है, और राम है कल्कि अवतार, तो कल्कि राम भी इनको कहते हैं। प्रभु के तीन जन्म हैं कलयुग में, और दो जन्म हो चुके हैं, उनका तीसरा जन्म युद्ध के समय होगा, जो शून्य से होगा, ना कि किसी गर्भ से, माँ के गर्भ से होगा, वो शून्य से आएंगे युद्ध के समय। यह बाइबल में भी लिखा गया है, दो भाई जगन्नाथ, प्रभु जगन्नाथ और प्रभु बलभद्र, जो जाजपुर में जन्म हुए हैं माँ के गर्भ से, और वो अभी तपस्या कर रहे हैं, जो कि ख़त्म होने वाला है। तीसरा भाई है जो खंडगिरी में है, वो खंडगिरी के गुफा में तपस्या कर रहे हैं। ये सब भाई युद्ध के समय बाहर आएंगे और कली को बांध कर प्रभु कल्कि के पास ले जाएंगे, उस वाहन से, उस प्लेन से जो गहिरा टिकरी में है, और प्रभु वहाँ जो रखे हुए पत्थर का खड़ाऊ है उसको भी पहनेंगे। कल्कि लीला बुक में पुलिन सर ने लिखा है, युद्ध खत्म होने के बाद सनातन धर्म का प्रचार होगा, जो प्रभु करेंगे, प्रभु जगन्नाथ, प्रभु बलभद्र, माँ काली और 64 सिद्ध भक्तों के साथ सनातन धर्म का प्रचार करेंगे वो। और प्रभु अकेले प्रचार नहीं करेंगे, सब भक्त पूरे दुनिया भर में, देश भर में जा जाकर प्रचार करेंगे। सिर्फ 11 देश ही बचेंगे सतयुग में, और प्रभु कल्कि के आदेश से सब सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। सत्यभंजक जी पूछते हैं, मालिका के चक्रमडम में लिखा है, टिकिरा गहिरी जे स्थानो सेथारे थिव भक्त उत्तम, तो उत्तम नाम का कोई भक्त क्या गहिरा टिकरी में है? दोस्तों, अगर आप में से किसी को उत्तम भक्त के बारे में कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। पुलिन सर आगे कहते हैं कि चैत्र महीना में शुक्ल पक्ष में नवमी गुरुवार थर्सडे पूषा नक्षत्र, इस तिथि में प्रभु आएंगे युद्ध करने के लिए। तो इसका अप्रोक्सीमेट साल कौन सा होगा? इसका मतलब ये है कि 2026 या 2027 के चैत्र महीना में, एक 2026 अप्रैल से लेकर 2027 मार्च तक जो 26 अंक है, और रेवती नक्षत्र में मीन शनि का अंत के समय युद्ध होगा गहिरा टिकरी में, जो कि 2027 है। तो 2027 में मधु महीना में शुक्ल पक्ष नवमी गुरुवार पुष नक्षत्र प्रभु युद्ध करेंगे। तो 2027 में गहिरा टिकरी में जो युद्ध होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत रक्तपात होगा इसमें, ऐसा युद्ध जो ओडिशावासी कभी नहीं देखा होगा। 7 दिन 7 रात अंधेरा रहेगा,
भैरवी का डाकों का प्रचंड भैरवी बुलाएगा और भैरवी डाकों का बहुत प्रचंड। ये सब महापुरुष अच्युतानंद दास ने कलयुग मालिका में लिखा है। अब भीमोबोई ने क्या लिखा है वो सुनते हैं। इसका मतलब है 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा, भैरवी डाक उस समय होगा और बहुत जोर से और ज़्यादा होगा, और ये आखिरी भैरवी डाक होगा। आकाश से रक्त की बारिश होगी, युद्ध में बहुत लोग मरेंगे जिससे नदी का पानी खून से लाल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस समय तक जो जिंदा बचेगा, जो जिंदा रहेगा, वो आगे सतयुग में जाएगा। इस समय 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा, बहुत तूफान, बहुत आंधी तूफान भी होने वाला है, बहुत प्रलय होने वाला है। उससे जो बचेगा वो सतयुग में जाएगा। ये भीमोबोई ने लिखा है बोडोनोमाला में। और भीमोबोई और पंचसखा ने जो लिखा है उसका टाइमलाइन और उसका सब कुछ मैच कर रहा है। उस समय तूफान आंधी हो रहा होगा जिससे 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। ये दूसरा प्रलय चल रहा होगा। पठान सेना और मुगल सेना एक साथ ओडिशा पर आक्रमण किए होंगे और तब फिरंगी इंग्लैंड की सेना है वो मिल जाएंगे उनके साथ। इस समय अनादि पुरुष जो कल्कि है वो अपने भक्त सेना, भक्त जो सेना है उनको लेके साथ में युद्ध करेंगे। जो हिंदू अधर्मी है उनको जबर सेना मारेगा और जबर सेना को प्रभु मारेंगे। टिकिरा गोहरी में देसी विदेशी सेना होंगे। विदेशी में चाइना, अमेरिका, यूके, मुगल जो मुस्लिम है वो सेना सब होंगे और अटैक करेंगे और बहुत लोग मरेंगे वहाँ पर, मेनली वो जो अधर्मी होंगे। और इन विदेशियों को प्रभु संहार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलिए सब भगवान का नाम लेते हुए अपने जीवन को सार्थक करते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा।